खबर यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी से है, जहां पर सहकारी समिति के संचालन पद के लिए नामांकन पत्र जमा किए जा रहे थे। सपा का आरोप है कि साधन सहकारी समिति फूल बेहड़ के नामांकन में पहुंची श्रीनगर सीट से भाजपा विधायक मंजू त्यागी ने चुनाव अधिकारी से नामांकन पत्र छीने और फाइलें लेकर वहां से बाहर आ गई, जिसको लेकर सपा व भाजपा दोनों आमना सामना हो गए और भारी हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुए हंगामे को लेकर सीओ धौरहरा पीपी सिंह का कहना है कि आला अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए नामांकन प्रक्रिया रद्द कराने की मांग की गई है। भाजपा विधायक द्वारा चुनाव अधिकारी से नामांकन पत्र छीनने का वीडियो वायरल होने के लेकर विधायक का कहना है कि सपा गड़बड़ी कर रही थी, जिसलिए उन्होंने ऐसा किया है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामपाल यादव का आरोप है कि विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी से नामांकन पत्र छीना। यूपी की दूसरी घटना में एक भाजपा कार्यकर्ता ने एक अधिकारी को जड़ा जोरदार थप्पड़, जिससे अधिकारी सन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हालांकि एसएम न्यूज किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लखीमपुर खीरी की फूल बेहड़ सहकारी समिति के नामांकन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नायब तहसीलदार श्री त्रिपाठी ने नामांकन प्रक्रिया को तो रद्द कर दिया है।